सो गाइस, जो कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको आप टेम्परेरी कैसे डिसेबल कर सकते हो। जो कि आप यहाँ पर डिसेबल करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, जो कि आपका जो कि फोटोज या सर्च में कुछ भी आपका जो कि अकाउंट नहीं आता, जो कि डिलीट से तो अच्छा है। जो कि आप डिलीट करते हो अपना अकाउंट तो वहाँ पर क्या होता है, जो कि आपका फोटोज या अपना जो कि कुछ भी वहाँ पर नहीं दिखेगा। बट ये टेम्परेरी की ये अच्छी बात है कि जो कि आप टेम्परेरी यहाँ पर जो कि डिसेबल कर दोगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो कि आपका फोटोज है वो सब कुछ जब आप वापस लाओगे अपना अकाउंट तब आपका सब कुछ वापस आ जाएगा, आपका कुछ भी वहाँ पर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना हूँ कि कैसे आप अपना जो कि अकाउंट होता है उसको कैसे आप डिसेबल कर सकते हो। तो वीडियो पर एंड तक रहिए, ज़्यादा कम से कम मत कीजिएगा वरना आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आप यहाँ पर जो कि डिसेबल कर सकते हो जो कि अपना अकाउंट होता है वो। तो मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, तो देखो और देखते रहो हमारे वीडियो। सो गाइस, जो कि यहाँ पर क्या होता है, जो कि आप जो कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है वो बंद करना चाहते हो, मतलब कुछ दिन के लिए यहाँ पर कि आपका अकाउंट जो कि बंद करना चाहते हो या अपना जो कि एग्ज़ाम आ चुके हैं या कुछ भी आपका जो कि कोई रीज़न है और आप बंद करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। जो कि यहाँ पर डिलीट कर दोगे तो आपका अकाउंट तो वापस आएगा नहीं, बट ये ऑप्शन बहुत अच्छा है कि आप इसको डिसेबल कर सकते हो और जब चाहो जब आप यहाँ पर जो कि इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आप वापस ला सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कि आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्टाग्राम से जो कि वो ऑप्शन ढूंढोगे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो कि दूसरी जगह पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो और अपना जो कि अकाउंट है उसको यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो, मतलब कि टेम्परेरी डिलीट कर सकते हो। जो कि आप टेम्परेरी डिलीट ही कहते हैं क्योंकि आप यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर डिसेबल कर दोगे तब आपका जो कि अकाउंट है वो सर्च पर भी नहीं आएगा और आपका जो कि फोटो जो है वो भी यहाँ पर नहीं दिखेगा। बट आप जब इसको जो कि ओपन कर दोगे, जो कि डिसेबल हटा दोगे, तो यहाँ पर आपका जो कि सब कुछ फिर से आने लगेगा, जो कि अपना फोटोज है या सर्च में सब कुछ आपका अकाउंट है वो यहाँ पर आने लगेगा। तो यहाँ पर क्या करते हो, आपको चाहते हैं फोन की स्क्रीन पे और वहाँ से दिखाने वाले कैसे आप अपना जो कि अकाउंट है वो डिसेबल कर सकते हो, मतलब कि टेम्परेरी यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो। तो चाहे फोन की स्क्रीन पे। सो गाइस, जो कि अब आपको क्या करना है, जो कि यहाँ पर आपको पहले तो मैं यहाँ से इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ओपन करने के बाद आपका अकाउंट है उसका जो कि आपको पासवर्ड और अपना नंबर वो यहाँ पर होना जरूरी है, वरना आपका यूज़र नेम, जो कि आपका यूज़र नेम यहाँ पर होगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली आपको जो कि अपना जो कि डिसेबल है, जो कि आपका टेम्परेरी डिसेबल वो यहाँ से नहीं होना है। जो कि आपको पहले यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पे चलते हो, नीचे देखते कोई भी यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो कि आप यहाँ पर देख सको। मैं यहाँ पर सेटिंग पे भी आपको दिखा देता हूँ, जो कि सेटिंग को भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो कि आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो, बट आप कर देंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली पहले मैं दिखा देता हूँ, जो कि मेरा ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, मेरा ऑफिशियल अकाउंट ये है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा ऑफिशियल अकाउंट। तो आप देख सकते हो ये रहा मेरा ऑफिशियल अकाउंट, जो कि मेरा यूज़र नेम भी आप यहाँ पर देख सकते हो 1K09, जो कि फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो यहाँ से। तो मैं सिंपल यहाँ से क्या करना हूँ, जो कि मेरा जो कि दूसरा अकाउंट है उसको मैं यहाँ पर डिसेबल करने वाला हूँ, तो सिंपली इसको नहीं करने वाला तो मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से। पहले यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से उसको बैक चलना है। यहाँ से बैक चलने के बाद आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद आपको एक सर्च करना है, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम, यहाँ पर instagram.com यहाँ पर सर्च कर लेना है आपको। उसको सर्च करने के बाद आपका जो कि वो अकाउंट है आपका, जो भी अकाउंट उसको आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो मैं सिंपली मेरा नंबर पासवर्ड यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना नंबर पासवर्ड और आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है और आपको थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है और अपना जो कि अकाउंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर नो यहाँ पर आपको कर देना है, जो भी करना चाहो आप सेव करना चाहो तो सेव भी यहाँ पर कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। तो सिंपल आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, जो कि मेरे नया अकाउंट बना था यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पर अपना जो कि प्रोफाइल देखेगा, जो कि अपना फोटोज होगा वो, तो सिंपल आपको वहाँ पर टैप करना है। जो कि वहाँ पर टैप करते ही आपको यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो ये रहा। तो सिंपल आपको यहाँ पर टैप करना है, यहाँ पर टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा पीछे जाना है और ये आपको फिर से जूम करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हो ये रहा एडिट प्रोफाइल। तो सिंपल आपको यहाँ पर टैप करना है, यहाँ पर टैप करते ही आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आपका जो कि डिसेबल अकाउंट मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ रहा टेम्परेरी डिसेबल माई अकाउंट, आप देख सकते हो ये रहा। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो कि यहाँ पर टैप कर देना है, यहाँ पर टैप करते ही आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना जो कि सेलेक्ट कर सकते हो कुछ भी, तो मैं जस्ट बैक का यहाँ पर कर देता हूँ, देख सकते हैं रहा अकाउंट। तो सिंपल आपको यहाँ पर टैप कर देना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे अपना पासवर्ड डाल देना है। तो सिंपल मैं अपना जो कि पासवर्ड होता है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे आपको मिल जाएगा टेम्परेरी डिसेबल अकाउंट, आप देख सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर आपको टैप करना है,
यहाँ पर टैप करने के बाद आपको यस या नो का जो कि ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है और आपका जो कि अकाउंट है वो यहाँ पर डिसेबल हो चुका है, आप देख सकते हो। अब आप क्या करना है जो कि आपका जब तक सो गाइस जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप टेम्परेरी डिलीट कर सकते हो या टेम्परेरी डिसेबल कर सकते हो, और मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप डिसेबल कर सकते हो और आपको जो कि क्रोम ब्राउज़र पर जाकर वहाँ पर आप डिसेबल कर सकते हो। बट ये ऑप्शन है जो कि इंस्टाग्राम है वहाँ पर नहीं आएगा, जो कि इंस्टाग्राम ऐप है वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा। आपको यहाँ से डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, और आपका जो कि डेटा है सब कुछ सब मतलब कि वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो आज की वीडियो इतना, जो कि वीडियो अच्छा लगे वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करके ऐसे जानकारी आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।